नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग हम कर रहे हैं। हमारे पास दो समीकरणें हैं, नो एक्स प्लस 3 वाई प्लस 12 बराबर 0, 18 एक्स प्लस 6 वाई प्लस 24 बराबर 0। हमें देखना है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। देखिए ध्यान से, a1 बटा a2 x के साथ वाला a1 बटा a2 9 बटा 18, ये कटता है आपस में तो काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो a1 बटा a2 कितना आ गया, 1 बटा 2। इसी प्रकार से b1 बटा b2 b1 के साथ है, y के साथ वाला b होता है b1 है, प्लस 3, ऊपर है 3, नीचे है 6, इसे भी आपस में यदि कटता है तो काट दीजिए, देखिए 3 और 6 आपस में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1 बटा 2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे c1 बटा c2, c1 है 12, c2 है 24, यदि इसको भी देखें आपस में कटता है या नहीं, तो ये 12 बटा 24 है, ये आपस में कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया 1 बटा 2। अब यदि आप ध्यान से इसे देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि a1 बटा a2 है 1 बटा 2, b1 बटा b2 है 1 बटा 2, c1 बटा c2 है 1 बटा 2। इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर आया है b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर आया है c1 बटा c2 के। ठीक है बच्चों, ये तीनों आपस में बराबर आए हैं। अभी आपके सामने ये देखो, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है, ये तीनों बराबर आए हैं। तो हम अपना टेबल फिर से देखेंगे बच्चों, जो हमने इस एक्सरसाइज में शुरू में पढ़ा था, देखा था। तो यदि इसके में हम पहला कॉलम देखेंगे a1 बटा a2, ये तो है कि ये बराबर नहीं है, हमें इसमें से कौन सी कंडीशन चाहिए, देखो ये वाली कंडीशन है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के। यदि ये तीनों बराबर हों तो रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, अतः दी गई समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। ठीक है बच्चों, यही हमें निकालना था कि जो दी गई रेखाएं हैं वो कैसी हैं। ठीक है, एक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो हमने पाया कि a1 बटा a2 बराबर था b1 बटा b2 के, और ये बराबर था c1 बटा c2 के, अतः ये दी गई ये जो कंडीशन है ये समपाती रेखाओं की होती है, इसलिए दी गई समीकरणों द्वारा ये रट्टा नहीं मारना बेटा, देखो ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे, और हमने पढ़ा था कि अनेक हल कब होते हैं, जब दो रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर टच करती हैं, और ऐसी रेखाओं को हम समपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ आएगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।